हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। जो हर एग्ज़ाम में, रेलवे हो चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे अदर स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रेलवे के एग्ज़ाम ही पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट कोई ये टॉपिक है। आइए इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज हो गया है, अगर इसको आज नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट बना है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक आदमी ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10% ज़्यादा में बेचा जाए तो उसे 10% का क्या होगा, लाभ होगा। कहता है 10% हानि पर बेचता है, यदि इसे 10 रुपया ज़्यादा बेचा जाए तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो और 10% हानि, 10% हानि, 10% हानि, और फिर कह रहा है 10% लाभ, 10% लाभ। जब लाभ एक जगह हानि एक जगह लाभ कहे तो क्या होगा, ये दोनों का ऐड हो जाएगा, क्या होगा, जोड़ देंगे। 10% हानि और 10% लाभ, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर हानि या हानि रहेगा तो घट जाएगा, लाभ लाभ रहेगा तो घट जाएगा, मगर एक जगह लाभ एक जगह हानि रहेगा तो जुड़ जाएगा। क्या करेंगे, 10% हानि 10% लाभ हो रहा है, तो 10 और 10 20 होगा। 20% क्या होगा, 20% हो जाएगा, कितना होगा, 20%। तो 20% बराबर जो ज़्यादा या अधिक रहेगा उसी करना, क्या है, 10, कितना दिया, 10, 10 रुपये अधिक। तो 1% बराबर कितना होगा, क्या करेंगे, 1% बराबर 20 में 10 में क्या करेंगे, 20 से क्या करेंगे, भाग देंगे, परसेंट के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। 10 और 10 20 ऐड हो जाएगा, तो 20 बराबर कितना दिया है, 10। तो 1% बराबर इसको करते हैं 20 पचे 100, 20 पचे 100 हो गया, और 10 पचे 50, तो कितना हो गया, CP 50, ये क्या हो गया, CP, ये हमारा आंसर हो गया। 20 से काट देंगे 20 पचे 100, और 10 पचे 50, ये हो गया CP। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, राहुल ने एक वस्तु खरीदा और 5% हानि पर, क्या करता है, 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, 10% क्या कर रहा है, कम में खरीदता, और 33 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उस उसे 30% का होता, लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बता रहा है। कह रहा हूँ 5% हानि पर बेचा, यदि इसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता और 33 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं, इसको फार्मूला लिखते हैं पहले। R1 - R2 कर देना, ठीक है, फिर R1 × R2 बटा 100 कर देंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। इस पर R1 इसको मानते हैं, क्या कहते हैं, ये R1 हो गया, अभी R2 मानते हैं इसको, क्या कहते हैं, R2। तो इसको यहाँ 30 लिखेंगे, क्या करेंगे, 30% और ये 10 लिख देंगे, 10% क्या करेंगे, 30 और 10% घटा, फिर R1 इसको 30 लिख देंगे, अब फिर क्या करेंगे, इसको 10% फिर लिख देंगे, क्या करेंगे, 10% 100 हो गया। इसको करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम, इसको 30 - 10 हो गया, 30 - 10 30 - 10, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। ये माइनस दोनों ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस माइनस ऐड कर देंगे, 30 10 और 3 13, -13 हो गया, कितना हुआ, -13, कितना आ जाएगा,
तीस में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 हो गया, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया 1, कितना हुआ 17 हुआ, कितना 17, और 17 का हुआ 17% लाभ हुआ, क्या हुआ 17% लाभ हुआ, 17% का हुआ लाभ हुआ। इधर देखते हैं, 30 में से 13 गया 17 हो गया, 17% का हुआ लाभ हुआ, तो यूँ लाभ हो रहा और यहाँ क्या हो रहा 5% हानि हो रहा, तो यहाँ 5% हानि और 10-17% लाभ, 17% क्या हो रहा लाभ, 5% हानि और 17% लाभ, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जब भी लाभ या हानि रहेगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, 17-5 अथी कर देंगे, 7-5-12-2 कितना गया 22 हो गया, 22% कितना हो गया 22%, 17-5-22 और 22 बराबर कितना दिया 33 ज़्यादा हो जाता, कितना 33 रुपया दिया, कितना 33, तो 33 कर देंगे, तो 1% बराबर क्या होगा 33/22, 100 से क्या होगा परसेंट के लिए 100 से मल्टीपल क्रय मूल्य निकालना, ठीक है, तो इसको काटते हैं 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 से काट दिए, 2 से 50 बनवे, 2 से कितना कहे 100, 50 में 2 5 10 पर रख दियो, 5 तिया 15 10 कितना हो गया 150, 150 क्या हो गया ये CP हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, 50 उन्हें कट गया, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 से काट दिया 50 बार में 100, ठीक है, 50 तिया 150, ठीक है, हो गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, कहता है क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति को दो घोड़े 960 रुपये में खरीदा, क्या किया एक व्यक्ति दो घोड़े को 960 रुपये में खरीदा, उसने एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 60% लाभ पर बेच देता है, एक घोड़ा को 10% हानि है दूसरे घोड़े पर, एक घोड़ा 10% 20% हानि है दूसरे घोड़े पर 60% लाभ पर बेचता है, तो पाता है कि दोनों घोड़े एक ही मूल पर बिके, वह पाता कि दोनों घोड़ा का क्या एक ही मूल पर बिके, तो दोनों घोड़ा का क्रय मूल बताना है, इसको सॉल्व करते हैं, मान ली घोड़ा ए और बी है, क्या है ए और बी, तो ए का 20% हानि, तो 100 में 20% हानि 80, सिमिलरली मैंने अथी बराबर, ठीक है, बी पर दूसरे पर क्या क्या है 60% लाभ पर, तो 100 में 60% ऐड कर देंगे, तो 160 का क्या 160, तो ये इधर आएगा क्या करा भागा में हो जाएगा, ए बराबर बी के निकल जाएगा, तो 160 बराबर क्या होगा यदि इधर गुना में तिधर एक गुना इधर भागा में चल जाएगा, तो 80 ई जीरो से ई जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना हुआ 2/1, कितना हुआ 2/1, इसको ऐड करेंगे 2 अब 1 3, इसको जोड़ेंगे 2 अब 1 3, 3 बराबर कितना दिया है ये दिया, 3 बराबर 960 रुपया दिया, कितना 3 बराबर 960, 1 बराबर भाग देखिए कितना नहीं जाएगा, इसको भाग इससे क्या करेंगे 960 में 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 960 में 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320 रुपया, कितना 320 रुपया, तो ए बटा बी बराबर घोड़ा कितना दिया है 2/1, कितना 2/1, तो दोनों घोड़ा को गुना कर देंगे 320 से गुना 320 गुना 320 हो जाएगा, क्या कहा गुना हो जाएगा, तो इसको गुना करते हैं 32, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 640, ए का कीमत कितना है एक घोड़ा की कीमत 240, और बी घोड़ा की क्या कितना होगा 320 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 320 हो जाएगा, ये घोड़ा की कीमत हो गया, ये बी घोड़ा की कीमत, ये आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कहा था
यदि एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 5 रुपये में 105 में बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि होती है, जो व्यापारी उसको कहा था 9% की हानि होती है। यदि इसे 30% लाभ पर 30% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचे जाए। एक व्यापारी जो किसी वस्तु को बेचने पर 9% की हानि हो रहा, तो व्यापारी इसको 30% लाभ कमाना चाहता है तो कितना बेचेगा 30% का लाभ। इसको इजीली सॉल्व करते हैं, कह रहा परसेंट क्या होता है 100 होता है, परसेंट क्या होता है 100, तो कह रहा 9% की हानि हो रहा, कितना 9% की हानि हुआ, 9% की हानि हुआ तो कितना बचा। अगर 100 में 9% की हानि 9% की हानि होती है, ठीक है, 105 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 105 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है, अगर 10% होता तो कितना बचता। नौ परसेंट क्या होते हैं हानि होती है, तो 100 में 9% हानि होती कितना हुआ 91, कितना 91 हुआ, तो 91 बराबर ये दिया कितना 105 दिया, कितना 105, तो फिर 30% लाभ कमाना तो 130%, तो पहले इसको क्या करते हैं 105 में क्या करेंगे 91 से भाग दे देंगे, 30% हमको निकालना है तो 30% क्या करेंगे 30% निकालना, तो 130 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, ये हमारा क्या होगा सीपी हो जाएगा। इसको काटते हैं, इसको काटते हैं 13 से 91 सात से कहते हैं 15 से 75, तो कितना है 13 से 10 यहाँ बच गया 1 0, 15 दहाँ के 150, कितना 15 पर 10। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।